हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की सारी क्लासेस हो चुकी है, फिर भी मैं आपको एक रिवीजन करवा रही हूँ। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप फ़ायदा उठा लीजिए, वरना जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपका एग्ज़ाम आपके सर पर ऐसे खतरे की घंटी की तरह डोलता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये रिवीजन क्लास है, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके टेस्ट अब लिया करूँगी। ये आपको 10 डेज की क्लास मिलेगी, जिसमें वलनी का वलनी तू में हर टॉपिक पर स्पेशली वीडियो अब बनेगा। उसमें आप कितना कर पाते हैं समय को पुश कीजिए और देन सबका आंसर कीजिए। उसके बाद सारा वीडियो का आंसर देखिए, कितनी आपकी इंग्लिश सही है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। तो आप पहले में क्या गलत है, मैं लास्ट में दो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे कमेंट कर बताओगे और अगले वीडियो में उस दो का आंसर दूंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बेबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, क्या होगा? नो एरर। तो यहाँ पे देखिए, आपको अल्फ़ाबेट, कभी भी अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में प्लुरल है, ठीक है, अपने आप में ये ऑलरेडी प्लुरल है, इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट में यहीं पे गलत है, इतने छोटे छोटे एरर आपको पकड़ में आ जाने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पर्सन इज एज फॉलोज, क्या होगा? इसमें कौन सा गलत है ये बताइए। तो दसम, आई होप कि आपके माइंड में ये भी आंसर क्लिक कर गया होगा। चलिए तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ गलत किया होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज, मतलब इसके जो सम्स है, जो सब्सटेंस निकल कर आते हैं, वो क्या है, फॉलो कर रहे हैं इस पोयम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉच हाउ द पियोनिस्ट यूज हर लेफ्ट हैंड, नो एरर। इसमें क्या गलत है? तो चलिए इसका भी आपका आंसर निकल कर आ गया होगा। तो इसमें ये गलत है, इसका स्पेलिंग ये होता है PIANIST। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर है, क्योंकि वो देख रहा है अपने किससे, पियानो, आई वॉच हाउ, कैसे वो अपना पियानो क्या है, बजा रहे पेन वाले हाथों से। चलिए चौथा नंबर क्या है, द रूइंस ऑफ द स्पील वे आर ए विटल क्ल्यू ऑफ द इपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड एज जनरेशन ऑफ खमीर इंजीनियर्स कोप्ड द वाटर सिस्टम्स ग्रीव टू द कॉम्प्लेक्स अनरोले। इसमें क्या गलत है? तो यहाँ पे बहुत ही छोटी गलती है, भले ये सेंटेंस कितनी भी बड़ी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटी गलती है, और वो गलती आपको यहाँ पे होगा, क्योंकि आगे का सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ पे V1 लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, V3 में हम बात कर रहे हैं, रूइंस जब पहले ही आ गया, रूइन तो नहीं आया, रूइंस आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनफोल्डेड, क्या होगा, अनफोल्डेड, क्योंकि V3 में हम लगाएंगे। You are required to give an exam explanation for your conduct within the 2 days receipt of this letter. इसमें क्या गलत है? तो इसमें एक बात बता दीजिए, कभी भी रिसिप्ट अगर खास चीज का नहीं हो तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ओनली रिसीव होगा, और नहीं तो अगर रिसिप्ट हो द नहीं लगेगा, रिसिप्ट जब लगा रहे तो उसके पहले द नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे द लगाते तो हम क्या लगाते, तो इसीलिए हम ये वाला चीज गलत करके यहाँ पे रिसीव होते, क्योंकि उसको बिल क्या है, 2 दिन के अंदर मिल रहा है, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर, कादिराज स्टोरी कृष्णा स्टोरीज डैश मी वेरी स्ट्रेंजली इफेक्टेड अफेक्टेड चेंज्ड एफिलेटेड, क्या होगा? तो 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी आंसर, क्योंकि उसकी क्या है, यहाँ पे देखिए इफेक्टेड मतलब भी होता है प्रभावित, एफेक्ट मतलब प्रभावित होता है, एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है, एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, तो एफ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ित करना, ठीक है, क्या होता है, पीड़ित करना, चेंज मतलब आपको पता है, एफेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, प्रभाव डालना। सी पिप्ड हर राइवल डैश द गोल्ड मेडल 2-4 नियर विथ, क्या होना चाहिए? तो एक बात बता दूं,
पिप्ड पिप्ड मतलब होता है बहुत ही कम अंतर से किसी को हराना। तो बहुत ही कम अंतर से क्या था, वो पहुंचने से क्या हो गई, हार गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द गोल्ड मैन, फॉर द गोल्ड मेडल। यहाँ पे देखिए, बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स डैश एबेटेड रिसीड इब्ड रिटायर्ड। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें ये होना चाहिए, यहाँ पे अबेटेड होगा। क्यों अबेट, अबेट अबेटेड आपने पढ़ा होगा, भीथ्री का यूज होगा। बाय मॉर्निंग द फ्यूरी फ्लड, मतलब क्या होता है अबेटेड, मतलब कम होना। अबेटेड इन फ्यूरी मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का फ्रेज है, किसी बुरी चीज के तीव्रता में कमी आना। रिसीड मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कमी आना, मतलब कि अचानक कमी मत आना, धीरे धीरे कमी आना। और इब्ड मतलब होता है लहर, इन तीनों का अर्थ एक था। रिटायर्ड तो वो तो किसी ऑफिस से है, वो तो नहीं। रिसीड मतलब धीरे धीरे कम होना, इब्ड मतलब होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लहर आदि का उठना। तो एबेटेड यहाँ पे हो क्योंकि क्या है, कम हो रही है। इसलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क शुड बी द गाइडेड बाय सम डैश डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म। यहाँ पे देखिए, ये लगता है क्वेश्चन पेपर पर कुछ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क शुड बी द गाइडेड बाय द सम डिजायर्स, सम डिजायर, सम डैश डिजायर ऑफ द ऑल्ट्रुइज्म में क्या होगा, जेन्यून फिलेंथ्रोपी, फॉल्स ऑनेस्टी, गुड लिबर्टी, सैलो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए जेन्यून, क्योंकि क्या है, जो रियल है वो रियल है। और फिलेंथ्रोपी मतलब क्या होता है, अल्ट्रुइज्म। यहाँ पे देखिए, ये अल्ट्रुइज्म में तो परोपकार होता है, तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, कभी भी परोपकार के साथ फिलोट्रो यानी कि मानव सेवा लगता है। तो फिलेंथ्रोपी मतलब होता है मानव सेवा। सिप्स आर डैश बाई गेंट्स इंजिन, तो क्या होना चाहिए 10 का, चलिए 10 का आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं हम ड्राइविन का, क्या यूज करते हैं हम ड्राइविन का। मैं 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चाह रही हूँ करवाना। चलिए, ये आपको ढूंढना है इसमें एक्सप्रेस द मीनिंग आंसर सीट, यानी कि आपको साइलो साइनो ढूंढना है, यानी सिनोनिम्स में साइनो क्या है, इसको साइनो और एंटो आपने सुना होगा, तो इसका सिमिलियर वर्ड डिमिनिस मतलब क्या होता है, तो डिमिनिस मतलब होता है ध्वस्त करना। यहाँ पे किसी भी चीज को कम करना, ध्वस्त करना, इट इज एट ऑल, ठीक है। नहीं, कम होना भी होता है, तो प्रोहिबिट मतलब मना करना होता है, रिड्यूस मतलब भी कम होना, सॉर्टेड मतलब इरोजन मतलब खराब होता है। तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या दे रहा है, तो रिड्यूस दे रहा है। डिमिनिस मतलब भी कम होना, रिड्यूस मतलब भी कम होना। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है। चलिए, तो आपको एक बात बताए, अगर आपको नहीं वर्ड पता हो तो मैं आपको एक छोटा सा ये आपको दे सकती हूँ कि आप यहाँ से रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिन्यूनेशन, रिफ्रेंडम, इन सब का अलग क्या होगा, अलग होता है। वैसे प्लेबिसाइट मतलब होता है जनमत संग्रह, क्या होता है जनमत संग्रह। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना, रिफ्रेंडम, रिफ्रेंडम यहाँ पे पहले मैं इसका, रिजर्वेशन मतलब आरक्षित होता है, रियूनियनेशन मतलब क्या होता है, तो रिन्यूनेशन मतलब एक साथ आना, रिफ्रेंडम मतलब क्या होता है जनमत संग्रह। तो प्लेबिसाइट और रिफरेंडम दोनों एक दूसरे का क्या है, साइनो है, बहुत ही अच्छा। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब क्या होता है, तो फ्रूगल मतलब होता है किफायती, यानी कि जो कम खर्च होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको आपको देखकर ही आंसर पता चल गया, फ्रूगल का इकोनॉमिकल, जो कम खर्चीला होता है, कंजूस तो बहुत ही। चलिए, अब ये है एंटो, क्या है एंटो, यानी कि अपोजिट मीनिंग। अर्बन मतलब शहरी होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, ग्रामीण। रूरल मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण। क्रूड क्या होता है, अर्बन। तो चलिए, एक अर्बन मतलब होता है शहरी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक अर्बन मतलब होता है शहरी, लेकिन यहाँ पे ई लगा दिया है, तो इस अर्बन मतलब होता है सभ्य। तो बहुत लोग ऐसे बेवकूफी की तरह, मैं भी बेवकूफी की तरह अपने एग्जाम में एक बार मार कर आई थी, अर्बन रूरल मार के आ गई थी, बट वहां पे ई लिखा हुआ था, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। तो आई होप कि आप इसका ध्यान दोगे। तो एक एक नंबर ऐसे ही करते हैं, इस अर्बन मतलब अगर ई लगा दिया तो सभ्य, तो सभ्य तो क्या हो जाएगा, क्रूड होगा, क्या हो जाएगा, क्रूड होगा। बोल्ड, बोल्ड मतलब तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 15 का आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, तो बोल्ड जो है वो नर्वस भी होता है। ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक का क्या हो जाएगा, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि फॉल्स, जेन्यून तो होगा नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक मतलब भी जेन्यून, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है यार, तो ऐसा तो रियल होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस अब 8 क्वेश्चन,
आई होप यू विल बैक मी एट द, इसमें क्या है फ्रेज ढूंढना है, कौन सा फ्रेज मतलब यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग क्या होगा, फॉलो सपोर्ट क्रिटिसाइज स्पीकर क्या होना चाहिए, एक बात मुझे बताइए कि इसके होने क्या चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका बता देती हूँ आपका आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैक मी मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट, मैं आपको फ्रेज का भी क्लासेज करवा चुकी हूँ, अगर आपका इच्छा हो फिर से करने का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डच, गो डच मीन्स क्या होता है, वेन वी क्या होगा, पे फॉर अदर्स मील, गो टुगेदर, डिवाइड द कॉस्ट, ड्राइव टुगेदर, इसमें क्या होना चाहिए आंसर। तो एक बात बताइए, यहाँ पे बात सही पता चल रहा है कि उसका और उसका फ्रेंड क्या है, बांट बांट कर खाते थे, यानी कि कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट बांट कर ही खाएंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज फिस्टेड मैन, कितनी बार जब मैं पटना यूनिवर्सिटी का क्लास करवा रही थी तो भी ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए थे, वहाँ पे भी मैंने इसका गौर किया था और अभी भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ। क्लोज फिस्टेड मतलब पर्सन मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो क्या है, जो बहुत ही कंजूस हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज फिस्टेड। कंजूस माइजर से ही लग रहा है, रिस्क तो होगा नहीं, मैनर्ड होगा नहीं। तो चलिए क्लोज, अगर आपको फ्रेज का हिंदी भी अगर याद रहेगा तो आप वहाँ पे मार लोगे, वरना ये पूरा पढ़ने के लिए दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मार सकते हो, उतना ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। कितना याद करोगे यार, बहुत है। एज डॉफ्ट एज ए ब्रश क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 का हमारा रियली सिली, यानी कि कुछ ऐसा है जो मतलब कि रियली वो सिली, वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने वर्ड्स को कह देता है। यहाँ पे देखिए, आई सेल ऑलवेज रिमेम्बर माई अल्मा मेटर, अल्मा मेटर बहुत ही अच्छा, अल्मा मेटर वो स्थान होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत ही यूजफुल मतलब कि पॉपुलर ये फ्रेज है, अल्मा मेटर होता है पढ़ाई का वह संस्थान जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला कहाँ पे देती है, तो मम्मी ही पढ़ाती है। खैर इसमें देखते हैं कि आंसर क्या है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तभी बनेगा। तो यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे वेयर आई इंस्टीट्यूट, यहाँ पे की जो पढ़ाई का संस्थान को अल्मा मेटर, तो इंस्टीट्यूट वेयर आई गॉट एजुकेशन, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम क्या है अपना एजुकेशन प्राप्त करने जाते हैं। चलिए इसमें क्या ढूंढना है, इस पार्ट्स में आपको कुछ अल्टरनेटिव, इसमें मतलब क्या यूज होना चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, द ग्लास फिगर डैश वॉज बेइंग सो द स्टोर विंडो द अपील टू मी। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर ग्लास फिगर है तो दुकान में शो करेगा ना, तो डेट वॉज ऑन डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले में दिखाएगा तब तो आप लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जिबिट प्रदर्शनी तो नहीं लगाएगा, एडवर्टाइज उसका विज्ञापन तो नहीं करेगा। आप दुकान में अगर ग्लास खरीदने जा रहे हो तो आपको शो में लगा होगा, तभी तो आप देखोगे। सी सेड डैट सी वॉज ग्लैड टू बी हियर एट इवनिंग, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए टू बी देयर, क्या होना चाहिए, टू बी हेयर नहीं देयर, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टेंस में है इसलिए, वरना होता ये तो टू बी, तो यहाँ पे हेयर के इस्तेमाल में देयर का इस्तेमाल होता है। अब फिर यहाँ पे 24 का, यहाँ पे आप देखिए 24 में बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ही हंसी आएगा कि हाँ इतना छोटा सा गलत, द नोट्रियस क्रिमिनल मतलब जो खूंखार के वेंट टू द पुलिस गोट, क्या वो खुद से जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वो क्या करने गए, सरेंडर किए अपने आप को पुलिस को ताकि हमारी सजा क्या होगी, कुछ कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट सी यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत दिन से, तो यहाँ पे ये वर्ड्स यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी भी फॉर टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो टाइम के साथ आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 25 अभी का, तो हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन फॉर ए लॉन्ग, यानी कि हैव प्लस नॉट प्लस बीन के साथ हम इसका यूज करेंगे, या फॉर प्लस टाइम के साथ हम भी इसका यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ने क्लास एंजॉय किया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी लोग मेरी वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं फ्रेज देती हूँ, टू फ्री समवन फ्रॉम द ब्लेम्स, From all blames, blames यहां लिख देती हूं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप इसका ढूंढोगे घर में, टू फ्री समवन फॉर ऑन ब्लेम्स, तो इसका क्या होगा,
यहाँ पे आप ढूंढोगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगी। तो मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और इसी के साथ आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होना चाहिए। और मैं आपको एक और छोटी सी बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो नहीं कर सकते, बेशक आप जा सकते हैं। तो चलिए बाय।